पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम आए दिन अपने नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कप्तान ने वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर क्रिकेट की दुनिया में वाहवाही लूटी थी। बाबर ने वनडे रैंकिंग में नंबर एक की कुर्सी हासिल करके भारतीय क्रिकेट के फैंस को काफी निराश और मायूस कर दिया था। कोहली को पछाड़ने के बाद अब बाबर आजम ने भारतीय फैंस को एक और दर्द दे दिया है। दरअसल अब T20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बाबर एक पायदान ऊपर आ गए हैं। हाल ही में बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के 4 मैचों में 52.50 की औसत से 210 रन बनाए, जिसमें उनका एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा। बस इसी का फायदा उन्हें T20 रैंकिंग में हुआ है। 26 साल के बाबर आजम सीरीज से पहले रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे, जबकि इस सीरीज पर अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम बाबर को 52 पॉइंट्स के फायदे के साथ मिला और वो दूसरे नंबर पर आ पहुंचे। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर बने हुए हैं, जबकि ओपनर केएल राहुल को लगातार नुकसान हुआ है। केएल राहुल अब इस रैंकिंग में 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। राहुल इससे पहले 6ठे नंबर पर थे। हालांकि T20I रैंकिंग में भारत के 2 बल्लेबाज ही टॉप 10 में हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद T20 सीरीज में भी पटकनी दे दी है। उसने सीरीज के पहले मैच में जीत दर्ज की, इसके बाद दूसरे में साउथ अफ्रीका ने वापसी की, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद पलटवार करते हुए बाकी के 2 मैचों में साउथ अफ्रीका को मात दे दी। सीरीज में जोरदार प्रदर्शन करने वाले बाबर आजम को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। वहीं साउथ अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शमसी T20I बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। उनके फिलहाल 732 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान 719 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं पाकिस्तान T20 रैंकिंग में 4थे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड पहले, इंडिया दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।